हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए सारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में रैलियां कर रहे हैं। ये 18 मंडल की आखिरी रैली है, समापन करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। ये इसका मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि हम लोग परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन भारत मुक्ति मोर्चा, ये सामाजिक संगठन है। अगर हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के लिए हम लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की ये चुनाव ये जानी चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से जाना चाहिए। इसके लिए हम काम करें। निशान जी, सरकार से आपने कहा कि ये सामाजिक संगठन है, लेकिन चुनाव में परिवर्तन करने के लिए दल की आवश्यकता होती है। आप अपने लोगों को किस दल के प्रति मतदान करने के लिए कहेंगे? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बना तो 18 दल के लोग जो है वो हमारे पास आए कि आपके नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ना चाहते हैं। हमने कहा हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, बाकी इसके बावजूद भी हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो हमने एक संवैधानिक रास्ता निकाला कि ठीक है, हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए हमने हस्तक्षेप करने के हद तक इस बात का नेतृत्व स्वीकार किया। अभी छोटे, मध्यम और राज्य स्तर के 41 दल इकट्ठा हो गए सारे यूपी में और मिलकर जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सारे देश भर में भी काम करेगा, सामाजिक क्षेत्र में भी करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी करेगा। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हस्तक्षेप करने का काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने बगैर। निशान जी, जिस प्रकार से हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर जातिगत परिवर्तन की बात करें, देखो दो चीज़ें अहम हैं। जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा और जाति में तोड़े गए लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, तो एक तो ये जाति में तोड़े गए लोग हैं, जाति के आधार पर तोड़े गए लोग हैं, तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का एक अभियान है। 6247 जाति के टुकड़े हैं, इसमें से अभी 4000 के लगभग जाति के कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के और एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट ट्राइब के, नॉमिनिक ट्राइब के, MBC के, OBC के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि जोड़ने से ही तो परिवर्तन आएगा। तो समाज में वैचारिक परिवर्तन से जोड़ना होगा, जोड़ने से शक्ति निर्माण होगी, शक्ति से बदलाव आएगा। अब ये लाइट जल रहा है, शक्ति की वजह जल रहा है ना, ये शक्ति पैदा करनी होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती बहुजन मूवमेंट को जलाने की बात कर रही है, क्या भारत मोर्चा? इतिहास का विषय है मायावती, इतिहास का विषय है, वर्तमान में बात कर रहे हैं। आप मानते हैं कि इस समय वर्तमान में बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है मायावती जी के साथ नहीं है और वो दलित मूवमेंट को नहीं चला रही है? ये जो लोग आए हैं इसमें एक एक आदमी को पूछो कल किसको वोट दिया था, यहाँ अब हमारे साथ आ रहे हैं। अब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं यूपी में, सारे जगह, एक जगह नहीं है, सारे जगह वो है कि मायावती हमारी लड़ाई छोड़ दिया है, मायावती हमारी लड़ाई लड़ नहीं रही है, मायावती ने अपने आप को ही प्रासंगिक घोषित कर दिया, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन ले रही है, मायावती के ही काल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के डायल्यूट करने का काम किया मायावती ने किया। अंतिम प्रश्न ये है कि ये हमारा जो मोर्चा आज रैली है वो राजनीतिक है या सामाजिक है? सबसे अहम बात तो ये है कि जिन संगठनाओं ने ये कार्यक्रम आयोजित किया वो सामाजिक है, सामाजिक संगठनाओं ने ये लोग इकट्ठा किए,
मगर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए हम समर्थन दे रहे, तो प्रिंटेड है, प्रिंट किया हुआ है समर्थन देने के लिए। और आर्टिकल 19 में संगठन बनाना, चलाना, संचालन करना, उसका उपयोग और उपयोग अपने हक में, अपने हित में करना, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट जो है उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, दूसरे लोग केवल देखते रहते हैं, मैं तो उपयोग करता हूँ। और नरेंद्र मोदी का बहुमत बेईमानी से हासिल किया बहुमत है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं। अगर मैं कोई असंवैधानिक बात कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ ये हो रहा है, मगर मैंने केस दायर किया हुआ है, उन्होंने अभी तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं डाला।